Assalamualaikum, this is one from CZTech. Welcome back to another amazing video. आज वीडियो जिस टॉपिक के बारे में वो ये है कि आप अक्सर लैपटॉप ऑन करते हैं और ऑन होने में इतना टाइम लगा देता कि आप अपना खाना और चाय वगैरह भी पी चुके होते तब तक ऑन नहीं होता। अगर ऑन हो जाए और ऑन होने के बाद भी इतना ज्यादा ब्राउजिंग गूगल क्रोम खुलने में टाइम ले रहा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं अपने लैपटॉप से। तो चलिए इस वीडियो में आपको ऐसी तीन बातें बताता हूँ जिससे आप अपना लैपटॉप और पीसी पास कर सकते हैं, पहले से ज्यादा तेज वर्क करेगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अब आ जाते हैं विंडो स्क्रीन पर। विंडो स्क्रीन पर आने के बाद आपने सिंपल करना क्या है, आपने सबसे पहले कोशिश करेंगे विंडो फ्रेश कर लें अपने लैपटॉप या पीसी में जो भी है। अगर आपको नहीं आती तो नेट से देख लें, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं विंडो नहीं करना चाहता, मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा, तो कोई बात नहीं, वैसे भी हल हो जाएगा मसला। तो सबसे पहले आपने आना है नीचे टास्क बार पर, सर्च पर जाके आपने लिखना है परसेंटेज TEMP, फिर परसेंटेज का साइन। अगर विंडो 10 है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर विंडो 7 है तो रन कमांड पर जाके आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये फोल्डर आ गया, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं जितनी भी फाइल्स हैं ये टेम्परेरी फाइल्स हैं और इनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको इसकी इन फाइलों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आप कंट्रोल ए करें, ठीक है, और कंट्रोल ए करने के बाद डिलीट, ठीक है। और सब अगर आपको कोई लगता है ये मुझे फाइल चाहिए तो उसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, मैंने स्किप करके कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया, ये समझिए मुझे फाइल्स चाहिए, ठीक है। आगे ये थी फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद आप चलें अपने पीसी और लैपटॉप की मेन विंडो स्क्रीन डेस्कटॉप पर जिसे बोलते हैं। आपको ये जो फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं डेस्कटॉप पर, इसको आप कोशिश करें एक फोल्डर बना के डी में रखें, सी में नहीं। सी जो डेस्कटॉप पे डाटा तो वो सारा सी का होता है, और कोशिश करें सी में विंडो होती है, विंडो के साथ कोई आप चीज़ ना रखें, वो स्पीड आपकी बहुत स्लो कर देती है। इस वजह से आप सिंपल क्या करें, इनको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, एक नया फोल्डर यहाँ क्रिएट कर लें, ठीक है, फोल्डर के नाम से ये फोल्डर क्रिएट करा, कंट्रोल सी नहीं करें, कंट्रोल एक्स कर दें, ठीक है। कट करने के बाद आप आ जाएं अपनी विंडो स्क्रीन पर, यहाँ पे आगे आपने सारा कुछ पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्किप, ये मुझे चाहिए थी, ये भी स्किप कर देते हैं, जो जो आपको चाहिए वो रहने दें, बाकी आप ये देखें, ठीक है। आपका एक फोल्डर में आ जाने के बाद आप सिंपल करें इसको डी में रख लें या कोई भी दूसरी पार्टीशन है, ठीक है, मेरी इस टाइम एक ही है, वहाँ पे जाके आप, मैं डेस्कटॉप पे ही बना रहा हूँ, आप डी में या जो भी आपका दूसरा फोल्डर सी के अलावा, ठीक है, जिसमें आपकी विंडोज के अलावा, आप जाके वहाँ पेस्ट कर, जो डाउनलोड वाला डाटा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपने डीप है, ये थी फर्स्ट टिप, इससे आपके लैपटॉप बहुत फ़र्क आएगा, तो कोशिश करें ये पहली टिप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद इंटरनली चेक करने का तरीका ये है कि आपने देखना कहीं मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में तो कोई इशू नहीं, बल्कि उसकी हेल्थ कम तो नहीं। इसी वजह से भी दूसरी रीज़न ये होती है कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ कम है तो आपका लैपटॉप बहुत स्लो करता है, SSD में इतना फ़र्क नहीं आता। अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वो आपकी हेल्थ उसकी कम है तो बहुत फ़र्क आएगा, उसको जल्दी से चेंज करें, आपको फिर उससे भी बेहतर स्पीड मिलेगी, ठीक है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है हार्ड डिस्क सेंशन, तो आप जाके वहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप उसको कॉपी करें और इंस्टॉल, वहाँ पर जाकर आप इसको इंस्टॉल करें और ओपन करें, ठीक है। सिंपल ओपन करने के बाद ये देखें जी, ओपन करने के बाद जो हार्ड ड्राइव की हेल्थ है वो यहाँ शो हो रही है 89%, ये जितनी कम होगी उतनी आपकी स्पीड कम होगी, और उससे दूसरी रीज़न ये भी होती है कि आपका डाटा भी लॉस हो सकता है, ठीक है। मेरी SSD है, SSD में डिफरेंट नहीं आता, उसका फ़र्क नहीं पड़ता इतना खास स्पीड में, क्योंकि वो SSD है। अगर हाँ, ये दूसरी अगर आपकी हार्ड ड्राइव भी ओके है, ठीक है, 100% हेल्थ है, तो कोशिश करें SSD उसमें लगाएं, ठीक है, थोड़ी महंगी होती है लेकिन आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। तो कोशिश करें आप अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव की जगह SSD लगवाएं और उसकी हेल्थ
हार्ड ड्राइव की हेल्थ आपकी अगर 100% से कम है तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर SSD की कम है, लेकिन SSD की एक क्वालिटी ये है कि वो कभी ख़राब नहीं होती जल्दी, ठीक है। 100 में से तकरीबन 10% आप कह लें ख़राब होती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। तो आप कोशिश करें हार्ड ड्राइव की जगह SSD लगवाएं और ये स्यापा ही मुकाएं। तीसरी टिप यह है कि आपने ये सब करने के बाद हार्डवेयर भी चेक होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे आना सर्च पे आप आने के बाद आपने लिखना टास्क मैनेजर, ठीक है। टास्क मैनेजर पे आना है आपने, अगर विंडो 7 ना तो रन कमांड पे जाके लिख सकते हैं, ठीक है। ये देख ले, अब ये जो आपकी तमाम डेस्कटॉप की या तमाम लैपटॉप की जो रनिंग है वर्किंग हो रही है, ठीक है, आपको पता नहीं होता क्या चल रहा है। ये देखिए मेरा स्ट्रीम, ये एक सॉफ्टवेयर बैंडिकैम के नाम पे वो चल रहा है, वो हाई है, ठीक है, बहुत हाई आपकी जो भी ये वर्किंग ले रहा है, परफॉर्मेंस ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल आना है स्टार्टअप पे आने के बाद आपने जो चीज़ देखनी है, ये देखें स्टार्टअप पे आने के बाद ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ ये होता है, अगर आपका लैपटॉप ऑन होता है उसके साथ दूसरी चीज़ जो ओपन होती है ना आपको नहीं पता था, लेकिन दूसरी चीज़ पीछे वर्किंग स्टार्ट भी कर देती, वो ये है मेरा यहाँ पे आ रहा है गूगल क्रोम, उसके बाद आपका आ रहा है जावा, फिर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। आपने सिंपल करना क्या है, सबको डिसेबल अनेबल हुई है डिसेबल कर देना, ठीक है। उससे ये होगा कि पीछे जो मर्जी होता रहो हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सबको डिसेबल कर देना आपने, ये इससे ये होगा कि आपका लैपटॉप जब भी ऑन होगा ये चीज़ें डिसेबल ही रहेंगी, ठीक है। ये आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है। उसके बाद फिर आपने सिंपल कंट्रोल पैनल पे आना है, ये काम करने के बाद कंट्रोल पैनल पे आके आपने लार्ज आइकन को पहले करना इस्तेमाल में ताकि आपको अच्छे से नजर आए। फिर आपने यहाँ पे आना है प्रोग्राम एंड फीचर, ठीक है, ये ऑप्शन पे आपने आना है। इस ऑप्शन पे आपको आने के बाद ये देख रहे हैं आपके लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं वो ये हैं। अब आपको तो पता नहीं होगा कि यार मेरे लैपटॉप में इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं मैं कैसे ढूंढूँ, ये एक दूसरा तरीका है सॉफ्टवेयर ढूंढने का। अगर आपको यहाँ पर लगता है मुझे यहाँ पर लगता है मुझे नीचे कैप नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका सिंपल अनइंस्टॉल हो गया। उसके बाद ये इंस्टॉल वर्किंग में हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा और इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको लगता है ये बाकी सारे सॉफ्टवेयर में से मुझे कुछ चाहिए वो रखें, बाकी सब डिलीट करते हैं आपको, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको बहुत अच्छी स्पीड भी लगेगी और आपका वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये थी मेरी तरफ से वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो में कोई गलती बताई होगी हो तो माजरत, और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताया करें कि आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, लैपटॉप के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो जिसका सामना आपको है वो मुझे बताएं ताकि मैं आपकी वो सॉल्व कर सकूं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।